नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज और मैं हूं आकाश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 फरवरी से शुरू होने वाले डिफेंस एक्सपो की तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है, जहां पर एक बेहतर तरीके से युद्ध कौशल आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं पर भारतीय सेना की ओर से मिसाइलें, टैंक और तोपों का एक विशेष प्रदर्शन भी किया जाएगा। 5 जनवरी से उत्तर प्रदेश की राजधानी में डिफेंस एक्सपो शुरू हो रहा है, जिसमें मेक इन इंडिया पर भी जोर देते हुए कई चीजें दिखाई दें। डीआरडीओ की सबसे नई तोप शामिल किए गए हैं। इसके अलावा देश में बने कई खतरनाक हथियार को प्रदर्शन के लिए डिफेंस एक्सपो में लाया गया है। इन तोपों की ताकत को देखकर दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। 40 किलोमीटर तक मार करने वाली एंटी गन टैंक को डीआरडीओ की मदद से भारत में बनाया गया है और साथ ही T-19 टैंक शामिल है, जो बेहद हाईटेक और इसका निशाना बेहद अचूक है, जिससे सरहद पर दुश्मन त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि हथियारों की मंडी के मंच पर वे देश भी साथ दिखेंगे, जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। इनमें एक तरफ युद्ध के मुहाने पर खड़े अमेरिका और ईरान होंगे, तो कट्टर विरोधी सऊदी और इजराइल भी साथ दिखाई देंगे। तमाम वो टैंक जो देश के सरहद पर तैनात किए जाते हैं, वो सभी टैंक T-19 वज्र अर्जुन इन सभी मिसाइलों को डिफेंस एक्सपो में भी लाया गया है। इन डिफेंस एक्सपो में भारतीय सेना ने लोगों के लिए एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया है, जहां लोग कमान पोस्ट बनकर इन टैंक के साथ अपनी सेल्फी ले सकते हैं। भारतीय सेना के जवान ने डिफेंस एक्सपो को एक रणभूमि की तरह तैयार किया है, जहां वह अपनी रण कौशल से लोगों को हैरान कर देंगे। लाइव 24 न्यूज के लिए अश्विनी त्रिवेदी के साथ मनु तिवारी की ये रिपोर्ट। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।